मैं ना पहले कारखाने में काम करता था, तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तो अब झुग्गी में रहता था, झुग्गी में भी आग लग गई। मेरे चार बच्चे हैं, कोई काम नहीं है, सड़क पे रह रहे हैं। बच्चों को खिलाने के लिए अभी एक पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ जाऊँ मैं? अब मेरे को कोई ना कोई काम दे दो, मैं हर काम करने को तैयार हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, आपने खर्चे के लिए आपको कुछ पैसे में देती हूं। आंटी देखो, बहुत बड़ा दिल अंकल आंटी का, इसी वजह से मैं कहता हूं कि भगवान रूपी इंसान है। पैसे नहीं, आप मुझे काम दे दो बस। काम दे देंगे फिलहाल, आपका काम नहीं मेरे को, बाकी बच्चा आपसे बात करता है। आप सिर्फ काम दे दो, थोड़े से पैसे। कोई नहीं भैया, रख लो। देखो आप अपना काम चलाओ। आंटी आंटी अंकल समझते हैं बच्चों का, काम दे दो और मेरे बच्चों को रहने के लिए जगह दे दो। कोई जो भी खर्चा होगा हम देंगे। ठीक है आंटी। और दूसरा, इनका जो मकान वो झुग्गी जल गई है, तो इनका वो मकान कुछ एक रूम रेनोवेट करा दो, रेनोवेट कुछ बना के दो। अच्छा, झुग्गी नहीं, एक रूम ही कहीं मेरी जगह पड़ी है, मैं बता दूंगी आपको। जी जी जी, मेरे पास है वो टुकड़ा, इनको दे देंगे, उस पर इनको मकान बनवा देना। खाली स्टार भेजो, स्टार से आपके कमेंट हाईलाइट हो गए। मैं कॉल करूंगा, कॉल करके भी मैं आपको बुलाऊंगा, अपने खर्चे पे बुलाऊंगा, ना कि आपसे खर्चा लूंगा। ठीक है, सब आंटी अंकल करेंगे, और मजबूर हो तो कमेंट करना। वो आया मेरे पास, भी बहुत दुखी है, इन्होंने स्टार भेजे थे मेरी वीडियोस देख के, और कमेंट में बहुत सारे स्टार भेजे थे, मैंने इनको बुला लिया। भैया रो मत, मैं आ गया हूँ। तो भाई अभी ना अंकल तो है नहीं, आंटी बैठी, इनसे कॉन्टेक्ट करते, आ जाओ। ठीक है, आप परेशान मत हो, जो भी दुख होगा ना आपका सब बताना, परेशान बताना। भैया बहुत ज्यादा मजबूरी में ये बैठे हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, कैसे हो आंटी? बढ़िया बेटा। अच्छा आंटी जी, मैं ना आपके पास आया हूँ, वैसे तो अंकल से मैं बातचीत कर लेता, लेकिन अंकल नहीं है यहाँ पे। और ये देखो भैया रो रहे हैं। भैया आप यहाँ पे आ जाइए, आराम से आपके आके बैठो। रो मत, आप बैठो अपने। आंटी जी इन्होंने स्टार भेजे थे, स्टार से मैंने इनको बुलाया था, बहुत ज्यादा परेशान है, मैंने इनके पर्सनली हालात देखे, बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। भैया बताओ क्या हुआ है? मैं ना पहले कारखाने में काम करता था, तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तो अब झुग्गी में रहता था, झुग्गी में भी आग लग गई। मेरे चार बच्चे हैं, कोई काम नहीं है, सड़क पे रह रहे हैं। बच्चों को खिलाने के लिए अभी एक पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ जाऊँ मैं? अब मेरे को कोई ना कोई काम दे दो, मैं हर काम करने को तैयार हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। हाँ बेटे, इनकी प्रॉब्लम आपने सुनी? मैंने आंटी जी प्रॉब्लम सुनी भी, मैं देखी भी, इनकी झुग्गी जो ना जल के खाक हो गई है, बच्चे भी हाथ पैर इनका जल गए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कारखाने में काम करते थे, और उनकी नौकरी भी। कितने दिन पहले छुट्टी हुई आपकी? 2 महीने हुए। 2 महीने से घर पे थे, और बस पतंगा वतंगा क्या गिरा, और उससे इनकी झुग्गी जल गई। आंटी जी बहुत परेशान है, इन्होंने कमेंट करे, बच्चों के इलाज के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास, उनके वो भी बेचारे। मैं तो ये कहूंगी कि पहले तो इनके बच्चों के इलाज के लिए उनको देखो कि उनको कहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए अच्छे से। जो भी खर्चा होगा हम देंगे। ठीक है। और दूसरा, इनका जो मकान वो झुग्गी जल गई है, तो इनका वो मकान कुछ एक रूम रेनोवेट करा दो, रेनोवेट कुछ बना के दो। अच्छा, झुग्गी नहीं, एक रूम ही कहीं मेरी जगह पड़ी है, मैं बता दूंगी आपको। मेरे पास है वो टुकड़ा, इनको दे देंगे, उस पर इनको मकान बनवा देना। ठीक है, ठीक है। 2 कमरे बनवा देना, कुछ रहने लायक, मतलब ये कि थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो जाए, जब तक वो नहीं, मतलब थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो जाएंगे हमारे उधर। और आंटी जी हो सके भैया को काम भी दो, तो बहुत परेशान है। छोटे काम दे दो, एक तो इनको हमारी नर्सरी में ही काम दिला दो। हाँ हाँ आंटी जी, नर्सरी में काम दे दो, मैं करने को तैयार हूं। कोई बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, आपने खर्चे के लिए आपको कुछ पैसे में देती हूं। आंटी देखो, बहुत बड़ा दिल अंकल आंटी का, इसी वजह से मैं कहता हूं कि भगवान रूपी इंसान है। पैसे नहीं, आप मुझे काम दे दो बस। काम दे देंगे फिलहाल, आपका काम नहीं मेरे को, बच्चा आपसे बात करता रहे। आप सिर्फ काम दे दो, कोई बात थोड़े से पैसे। कोई नहीं भैया, रख लो। देखो आप अपना काम चलाओ। आंटी अंकल समझते हैं बच्चों का, काम दे दो और मेरे बच्चों को रहने के लिए जगह दे दो। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, खाने पीने की, रहने की, आने जाने की। आपको कहीं आना भी है तो अपनी गाड़ी करके आते हो तो भी आओ, बच्चों का जहाँ पर ट्रीटमेंट होना है वहाँ ये देख लेगा लड़का। बहुत बुरी हालत है, आप ऐसे करना, आप देखना कि कहाँ पर उनका बच्चों का सही इलाज होता है। ठीक है, वो करवाना है आपने, और इनका घर भी बना के देना है। और फिलहाल इनको वो जो रूम मैंने कहा है वहाँ पर शिफ्ट कर देना। भैया देखो, मैंने कहा था ना कि एक खाने बार पीने का हर चीज का, मैंने आपको बोला था ना कि एक बार जाके देखना, भगवान है मेरे लिए। तो ये बोले थे कि आंटी कोई नहीं करता, कोई नहीं होता ऐसा आज के टाइम में इंसान। मैंने बोला कि अंकल आंटी है हमारे, मैंने कहा आप चलो, हो गया ना। देखो आप विश्वास करते हो, ये आपकी किस्मत है जो आपको मिल रहा है, हम कोई नहीं होते देने वाले, देने वाला वो है ऊपर वाला। हमारी मदद तो आप ही कर रहे हैं ना, हमारे लिए तो आप ही, हमारे लिए इन बच्चों ने भी किया ना, इन बच्चों की वजह से आप हमें मिल पा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। और वैसे भी ना अंकल आंटी बच्चों के दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इनका कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक है, और अंकल तो वैसे, आंटी भी तो वैसे भी चाहती है कोई बच्चा अच्छा हो, कोई इंसान अच्छा हो, जो हमारा वारिस बन जाए,
और भाई अगर कोई मजबूर इंसान हो ना, भैया जैसा या भैया से ज्यादा मजबूरी हो, कम मजबूरी हो, हाँ, लेकिन जनवर भी आ सकते हैं, जनवर होना चाहिए बंदा। आंटी तो कैश भी लेके साथ में रखते कि पता नहीं कब कोई मजबूर आ जाए, और मैं तो चार पांच आंटी आपके पास लेके भी आया। हाँ मेरे पास चार पांच लोग आ चुके हैं, लेकिन अगर ऐसे ही मजबूर आते रहेंगे उनका काम चलता रहेगा तो हमें और भी खुशी होगी बेटा। आंटी अंकल कहते हैं कि हम किसी एक की जिंदगी नहीं बनाएंगे, हमसे अगर 500 आदमी की जिंदगी बनेगी तो 500 की बनाएंगे, क्योंकि आंटी अंकल के पास ना करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बड़े बड़े फार्म हाउस है, बाहर की कंट्री में फार्म हाउस है, इधर नर्सरी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो अंकल आंटी लगाने के तैयार है। तो अगर आप भी मजबूर हो, आप भी परेशान हो, तो आप ना कमेंट करना, कमेंट लेकिन स्टार से करना, स्टार भेजना, जो ये लाइक कमेंट और बीच में जो गिव का ऑप्शन आ रहा है ना जिसमें तारा बना हुआ है, वहां से आप स्टार भेजना, ताकि आपका जो कमेंट है ना हाईलाइट हो जाए 2-3 घंटे के लिए और मेरी नजर पड़ जाए, ठीक है। तो स्टार बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा स्टार है, तो स्टार भेजना, गिव भेजना। और एक चीज और आंटी जी, देखो आंटी आप भी, आपको भी पता हम किसी से कोई रुपया नहीं मांगते, नहीं आपको कभी एक रुपया हमारे ऑफर करने से नहीं आपने लिया, हमने, मैं आंटी भी मुझे पैसे के लिए बोलती थी, हमने तब भी नहीं लिया। तो मैं बता दूं आंटी हो क्या रहा है, कोई बंदा या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियोस देख के ना लोगों को बोलते हैं कि हम ताबिश के यहाँ से चैनल से बोल रहे हैं, मैनेजर है, हम उसकी टीम के, भाई आपका सिलेक्शन हो गया, 5,000 दो, 10,000 दो, तो यहाँ पर कोई ऑडिशन नहीं हो रहा, तो सिलेक्शन होगा पहली बार, ठीक है। किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी, हम तेरे सिवा हमारे पास कोई भी नहीं है। हम किसी से एक रुपया नहीं मांगते, हम बोलते स्टार भेजो, से आपका कमेंट हाईलाइट हो जाएगा, मजबूरी बताओ। हम ये नहीं कहते फोन करके कि भाई 5,000 दो, 500 रुपए दो, 100 रुपए दो। अगर आप किसी को देते हो ना तो वो आपका खुद की गलती है, आप खुद स्कैम में फंस रहे हो। तो हम किसी से एक रुपया नहीं लेते, अगर कोई मांगता है तो डायरेक्ट उसके नंबर की रिपोर्ट करो, मतलब कंप्लेंट करो, जो कुछ कर सकते हो करो, क्योंकि हमारी पूरी टीम में से कोई एक रुपया नहीं मांगता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, किसी से कोई पैसे नहीं चार्ज करते, बस खाली स्टार भेजो, स्टार से आपके कमेंट हाईलाइट हो गए। मैं कॉल करूंगा, कॉल करके भी मैं आपको बुलाऊंगा, अपने खर्चे पे बुलाऊंगा, ना कि आपसे खर्चा लूंगा, ठीक है। सब आंटी अंकल करेंगे, और मजबूर हो तो कमेंट करना, ठीक है। और भैया खुश हो, आप हो जाएगा गुजारा आपका, भाई झुग्गी झोपड़ी का भी करवाता हूँ, ठीक है। ये देख लेगा लड़का, जो भी कुछ हो इससे बात कर लेते। तो भाई भैया की प्रॉब्लम सारी सॉल्व, सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन दुख तो दूर हो गया ना भैया, बहुत ज्यादा, काम भी मिल गया, नर्सरी वगैरह में सब हो जाएगा, ठीक है, सब ठीक। बाकी मैं आपके काम वाम की बात कर लूंगा, आप अभी चले जाइए, ठीक है भैया, चलो बड़ी मेहरबानी, चलो।